गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा, कल हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इतिहास का पहला चैप्टर समय की शुरुआत से, और समय की शुरुआत से हम ये देख रहे थे कि जो आज का आधुनिक मानव है उसकी एक्चुअल में उत्पत्ति कैसे हुई है। आज का जो आधुनिक मानव बना है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया, इस चीज का पता हम लगा रहे थे। और एक चीज हमने पता लगाई कि इस पृथ्वी के ऊपर या सृष्टि के ऊपर सबसे पहला आने वाला जो जीव था वो कौन था? प्राइमेट। बेटा बोलते नहीं हो, आपकी आवाज नहीं आती। एक तो प्राइमेट, प्राइमेट सबसे पहले आने वाला जो जीव था वो था प्राइमेट, ठीक है। फिर प्राइमेट की उत्पत्ति बेटा कितनी बताई गई थी? 360 लाख वर्ष पूर्व, पहले आज से। फिर उसके बाद में कौन आया? होमोनाइड। ये देखो, ये प्राइमेट आ गए, फिर कौन आया? होमोनाइड, ठीक है। ये इसका उपसमूह है। कब आया? 240 लाख वर्ष पहले। फिर इसके बाद में इसका उपसमूह कौन आया बेटा? होमोनिड। शाबाश, होमोनिड, ठीक है। 56, ये कितना बेटा? 56 लाख वर्ष पहले। अब देखो, फिर ये दो भागों में बट गया था। इधर इसकी तरह दिखने वाले कौन आए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ये भी 56 लाख। और इधर सबसे पहले होमो हैबिलिस। आवाज़, होमो हैबिलिस, उसके बाद में होमो इरेक्टो इरेक्टस, और फिर होमो होमो सेपियंस, ठीक है। ये तीन आए, और इनका कार्य जो काल था वो मैंने आपको बता दिया था। होमो हैबिलिस बेटा कब आए? 22 से 25 लाख वर्ष पहले। फिर पहले, उसके बाद में 8 लाख वर्ष पहले। 8 लाख, और होमो सेपियंस आज से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व, या फिर क्या कहे 160,000 वर्ष पहले से लेकर 190,000 वर्ष। ये हो गया इसका इतिहास कि मानव की उत्पत्ति, और जो आज का आधुनिक मानव बेटा वो किस रूप में? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस यानी हमारे जो पूर्वज है वो कौन है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस यानी कि हमारी जो उत्पत्ति है वो किससे है? होमो सेपियंस से। आगे चले। यस सर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक शब्द मैंने बताया था आपको, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एनीवन बेटा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिणी वर्नर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का पूरा बताओ, मैंने जो बताया था ना उदाहरण सहित, इसकी परिभाषा भाई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन सी भाषा का शब्द है? मैंने बेटा कल बताया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस लातिनी भाषा के ऑस्ट्रल, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, और पिथिकस का मतलब वानर, अर्थात दक्षिणी वानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया आपके दक्षिणी वानर। अब बंदर का रूप है, और जो होमोनिड है वो भी एक प्रकार का वानर का ही रूप था। और ये कहा जाता है कि ये जो होमोनिड जो था वो प्रारंभ में अफ्रीका से आया था, अफ्रीका से, अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां से निकल के आया,
और जगह जगह फैल गया, इनका जो कुटुंब था वो जगह जगह फैल गया और इनकी उत्पत्ति धीरे धीरे बढ़ने लग गई, ठीक है। और इसी का एक होमोनिड का एक रूप था आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिणी वानर, लेकिन ये कहा जाता है कि इस प्रजाति का जो वानर था वो आज से लगभग 18 लाख वर्ष पहले लुप्त हो गया। आज से 18 लाख वर्ष पहले ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वानर जो था वो लुप्त हो गया, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब रह गए आपके होमोनिड में ये होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, जिनकी उत्पत्ति यहां सामने लिखी हुई है। और आज का जो आधुनिक मानव है वो किस प्रजाति से माना गया है, होमो सेपियंस, ठीक है। अब देखिए बेटा होमो हैबिलस, पहला देख लीजिए आप होमो हैबिलस, होमो हैबिलस बेटा कि यहां पर शब्द आया है होमो, ये भी एक प्रकार का लातिनी भाषा का शब्द बेटा, ध्यान रखेंगे होमो जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है बेटा, होमो कौन सी भाषा का शब्द है, लातिनी, लातिनी, लातिनी जिसका अर्थ होता है आदमी, यानी कि होमो मींस आदमी, जिसमें नर व मादा दोनों शामिल होते हैं। यानी कि आप कहेंगे कि होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका मतलब या जिसका अर्थ होता है मानव या आदमी, सुन लिया, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल है। आप लिख सकते हैं अगर आप अपनी जानकारी के लिए कि होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आदमी या मानव। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया बेटा, यस सर। अब देखिए अगला जो टॉपिक है यही है, लेकिन इसमें देखो आगे से हम देखेंगे कि गुणों के अनुसार, गुणों के अनुसार वर्गीकरण, गुणों के अनुसार वर्गीकरण, यानी कि जो होमोनिड की तीन उपजातियां आई होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस और होमो सेपियंस, तो इनके गुण के आधार पर इनको अलग अलग बांटा है। जैसे सबसे पहले कौन सा है, होमो होमो हैबिलस, हैबिलस, उसके बाद में होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, ये तीन थे, ठीक है बेटा, यस सर। यानी कि कहने का मतलब है गुणों के अनुसार जो होमोनिड है उसको ये तीन भाग थे, इनको गुणों के हिसाब से भी इनका क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। और सबसे पहले आपके आ जाता है आपके होमो हैबिलस, यानी कि होमो हैबिलस जो था वो था औजार बनाने वाला, यानी कि होमो हैबिलस था वो जो वानर था उसका क्या कार्य था, वो क्या करता था, औजार बनाता था, औजार बनाने वाला, इसको नाम दिया गया होमो हैबिलस, औजार बनाने वाला, ठीक है। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाला, ये लो, यानी कि होमो इरेक्टस को क्या संज्ञा दी गई कि ये जो था वो सीधा खड़ा होकर चलने वाला वानर था, और होमो सेपियंस अर्थात हम चिंतनशील मनुष्य,
ठीक है, यानी कि इन तीनों का इसके गुणों के आधार पर जो विभाजन किया गया है वो ये है, ठीक है। या फिर चिंतनशील मनुष्य के साथ साथ आप ये कह सकते हैं आधुनिक मानव, ये लीजिए, यानी कि ये कंप्लीट हो गया कि होमोनिड प्रजाति को उसके गुणों के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। होमो हैबिलस, जिसको क्या नाम दिया गया कि ये क्या है, औजार बनाने वाला। होमो इरेक्टस, ये क्या है, सीधे खड़े होकर चलने वाला। और होमो सेपियंस, जो कि चिंतनशील, आज का जो हम मनुष्य है, हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, दिमाग में चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो चिंतनशील मनुष्य या आधुनिक मानव का नाम दिया गया किसको, होमो सेपियंस को। यहां तक क्लियर है बेटा, लिख लीजिए आप लिख लीजिए बेटा, इस चीज को लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? यस सर। बेटा लिख लेना, ये काम की चीज। अगर आप इतिहास को लेकर पढ़ रहे हैं या इतिहास लेना चाहते हैं तो बेटा इन छोटी छोटी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, लिख लिया। जो होमो हैबिलस है, इसका जीवाश्म, यानी कि होमो हैबिलस का जो प्रमाण है, इसका जो जीवाश्म है वो मिला है इथियोपिया के होमो, याद रखेंगे कि, यानी कि ये जो होमो हैबिलस है, इसका जो जीवाश्म है वो इथियोपिया के होमो और तंजानिया के तंजानिया और इथियोपिया दो बेटा जगह है जहां पर, इथियोपिया में होमो और तंजानिया में ओल्ड ओल्डू वही गोर्ज, तंजानिया में ओल्डू वही गोर्ज, ये देख लीजिए आप। यानी कि ये जो हमारा होमो हैबिलस है, इसके जो प्रमाण मिले हैं जीवाश्म के, वो कहां से मिले हैं आपके, इथियोपिया के होमो में और तंजानिया के ओल्डू वही गोर्ज में। ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि होमो हैबिलस के जो प्रमाण मिले हैं वो किन जगहों से मिले हैं या किस जगह से मिले हैं, तो आप ये कहेंगे कि इथियोपिया का होमो और तंजानिया का ओल्डू वही गोर्ज, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा होमो हैबिलस है, इसकी विशेषता क्या है या इसकी खासियत क्या है, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि जो होमो हैबिलस है वो अपने पूर्वजों से अधिक लंबे, ये देखो पहला पॉइंट होमो हैबिलस का, पहला पॉइंट क्या है कि जो होमो हैबिलस होते थे इसके जो पूर्वज हैं उनसे ये क्या है, इनकी जो हाइट होती थी वो क्या होती थी, ज्यादा होती थी। आप ये लिख सकते हैं कि होमो हैबिलस जो है वो अपने पूर्वजों से अधिक लंबे होते थे, और ये पत्थर के औजार बनाते थे। ये लो, यानी कि होमो हैबिलस, ये हमने लिख भी दिया कि होमो हैबिलस जो है वो पत्थर के औजार भी बनाते थे, परंतु इनके जो हथियार औजार होते थे या हथियार होते थे वो अच्छे नहीं होते थे, भद्दे किस्म के होते थे, गंदे। हालांकि पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने, लेकिन साफ सुथरे नहीं थे, गंदे से थे, बेकार से लगते थे, लेकिन वो दिखने में किसकी तरह लगते थे, हथियार की तरह लगते थे। तो आप ये कहेंगे कि होमो हैबिलस जो कि औजार बनाने वाले होते थे, ये
अपने पूर्वजों से अधिक लंबे होते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, लेकिन इनके जो औजार होते थे वो क्या होते थे, भद्दे होते थे, अच्छे नहीं थे होते थे, यानी दिखने में वो हथियार जो है वो अच्छे नहीं होते थे। ठीक है। और इनका जो मुख्य आहार होता था खाने में, ये खाने में क्या क्या खाते थे, जंगली फल, जड़े, बादाम, सब्जियां और मांस, यानी कि होमो हैबिलस। अगर उनके खाने की बात करें तो वो अपने खाने में जो उनका मुख्य आहार था खाने में कौन कौन सी चीजें खाते थे, तो उसमें आप देख लीजिए, ये जंगली फल खाते थे जो पेड़ों से प्राप्त होते थे, जड़े पेड़ों की जड़े खाते थे पेट भरने के लिए, बादाम का भी पुष्टिकरण हुआ है कि भाई बादाम भी खाते थे, और सब्जियों का सेवन भी करते थे, और कुछ ऐसे थे जो जंगली जानवरों का शिकार करके उनके मांस का सेवन करते थे। अब दूसरी बात, यहां तक देखे ना होमो हैबिलिस तक, तो कहा कि आदिवासी जो मानव था, आदि मानव, उसने आग जलाना सीख लिया था, तो इनको आग जलाने का अनुभव नहीं था। ये इनके जमाने में आग थी लेकिन इनको स्वयं को आग जलाना नहीं आता था। तो ये कंप्लीट हो गया होमो हैबिलिस, यानी कि होमो हैबिलिस की विशेषताएं मैंने आपके सामने लिख दी है, आप लिख लीजिए या तो, या इसको समझ लीजिए कि इनके जो पूर्वज थे वो अधिक लंबे होते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, लेकिन वो जो औजार होते थे वो कैसे होते थे, थोड़े बद्दे होते थे, साफ सुथरे अच्छे नहीं दिखते थे, मुख्य खाने के रूप में जंगली फल, जड़े, बादाम, सब्जियां और पशुओं का मांस खाते थे ये। ठीक है। यस सर। ठीक है। और सीधी सी बात है कि इनकी एक खासियत थी कि वो एक जगह नहीं ठहरते थे, होमो हैबिलिस एक जगह नहीं ठहरते थे, वह भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते रहते थे। ये हो गया आपके होमो हैबिलिस। मिटा दू बेटा। यस सर। अब आपके आ गया है दूसरा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, ठीक है। इसकी खासियत मैंने क्या लिखवाई थी बेटा, गुण। इसका क्या गुण लिखवाया था होमो इरेक्टस का? आपने कुछ नहीं लिखा। सीधे खड़े होकर चलने वाले। क्या बात, सीधे खड़े होकर चलने वाले। सीधे खड़े होकर चलने वाले होमो इरेक्टस। देखो बदलाव आ रहा है कि पहले वाला जो होमो हैबिलिस था वो औजार बनाता था, वक्त बदलता चला गया, और अब होमो इरेक्टस जो था वो सीधे खड़े होकर चलने लग गया था। लिखिए या देख लीजिए, समझ लीजिए। यहां आते आते जब ये सीधे खड़े होकर चलने लग गया तो वह आग जलाना भी सीख गया था, यानी कि होमो इरेक्टस अब आग जलाना भी सीख गया था, यानी कि ये आग जला सकता था, आग जलाना सीख लिया। ठीक है। और इसका जो आकार होता था वो अभी वर्तमान जो हम मनुष्य हैं उसकी तरह ही मिलता जुलता था, यानी कहने का मतलब होमो इरेक्टस का जो आकार है वो अभी वर्तमान में जो हम मनुष्य हैं उसकी तरह ही दिखता था, उसका आकार इसकी तरह ही दिखता था। जैसे अभी हमारा आकार है ना, वैसे ही होमो इरेक्टस का आकार होता था, लेकिन इसकी जो खोपड़ी होती थी हमारी खोपड़ी से 2-3 गुना बड़ी होती थी, यानी कि आकार तो सेम है, साइज और हाइट तो लगभग लगभग एक जैसी दिखती थी होमो की अपने से, लेकिन इसका जो मस्तिष्क या जो खोपड़ी होती थी वो अपनी वर्तमान जो खोपड़ी है उससे कितना ज्यादा होती थी, 2-3 गुना ज्यादा होती थी। अब सीधी सी बात है, सीधे खड़े होकर चलने वाला व्यक्ति होमो इरेक्टस,
अब जब सीधे खड़े होके चल रहा है व्यक्ति, तो उसके जो ये हाथ है वो क्या हो गए, फ्री, फ्री हो गए। अब वो इन हाथों से अच्छे हथियार बना सकता था। तो ये कह सकते हैं एक और विशेषता कि अच्छे हथियार बनाने वाला, अच्छे हथियार बनाने वाला, यानी कि होमो इरेक्टस क्या था, अच्छे हथियार बनाने वाला। अब धीरे धीरे सीधी सी बात है, आग जलाना ये सीख गया। अब आग जलाने से इसको क्या फायदा हुआ कि आग से यह जंगली जानवरों को डराने लगा। कोई भी जंगली जानवर देखिए आप, जैसे आग लग जाती थी तो वो आग को देखकर क्या करता था, भाग जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि होमो जो इरेक्टस है उसने आग जलाने का कार्य सीख लिया। इसका जो आकार होता था सामान्य पुरुष की तरह, अभी जो सामान्य पुरुष है उसकी तरह था, लेकिन इसकी खोपड़ी का आकार 2 से 3 गुना ज्यादा होता था। अच्छे हथियार बनाता था, क्यों, क्योंकि अब उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल फ्री हो गया था। पहले तो क्या है, 4 टांगों से चलता था, लेकिन अब सीधा खड़ा होकर जब चलने लग गया तो इसके जो हाथ है वो क्या हो गए, फ्री हो गए। अब फ्री हाथ से वो क्या करने लग गया, अच्छे हथियार बनाने लग गया। और आग का आविष्कार हो गया, आग जलाकर वो क्या करने लग गया, जो जंगली जानवर थे उनको भगाने लग गया, उनको डराने लग गया। और जब आग का आविष्कार हो गया तो सीधी सी बात है कि वह अब खाने को पकाकर खाने लग गया। पहले क्या था, कच्चा खाना ही खा लेता था, कच्चा ही, पता ही नहीं चलता था, क्यों, आग का आविष्कार नहीं हो गया, हुआ था। होमो हैबिलिस की बात करें, लेकिन होमो इरेक्टस ने आग का आविष्कार कर लिया और अब वह खाने को पकाकर खाने लग गया। ठीक है, यस सर, ठीक है। और अब आग जला ली तो सीधी सी बात है, आग के पास में अब वो अपना मनोरंजन भी करने लग गया। जैसे आज गांव में देखो, अपन अलाव जलाते हैं तो अपन परिवार वाले चारों तरफ इसके बैठ जाते हैं और यहाँ बैठ कर मनोरंजन गपशप करते रहते हैं। तो उस समय का जो मनुष्य था वो भी क्या था, आग जला लेता था और उसके कुटुंब कबीले के जो लोग थे वो इस आग के चारों तरफ बैठकर अपने मनोरंजन का कार्य करते थे। ठीक है, और इसके जो जीवाश्म है वो अफ्रीका और एशिया दोनों जगह मिले हैं। याद रखेंगे कि होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म है वो अफ्रीका और एशिया में